एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 10 सोशल साइंस जियोग्राफी चैप्टर 4 के इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर लेके आया हूँ। ये सारे प्रश्न जो है वो आपके अभ्यास के हैं, इसलिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। बहुवैकल्पिक प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाए जाते हैं। तो इसका उत्तर होगा रोपण कृषि। ऑलरेडी हमने इसे MCQ में भी कवर किया था। अगला प्रश्न कहता है इसमें से कौन सा रबी फसल है, तो चना जो है वो रबी फसल के अंतर्गत आता है। तीसरा प्रश्न कहता है इसमें से कौन सा एक फलीदार फसल है, तो दालें जो होते हैं वो फलीदार फसलों में आता है, तो दालें जो इसका होगा सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न इसी में कहता है सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है, तो इसका उत्तर होगा ख, न्यूनतम सहायता मूल्य। ऑप्शन ख जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हमारा कहता है प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर आपको लगभग लगभग 30 शब्दों में देना है। 30 शब्दों में इन सभी प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसमें पहला प्रश्न हमारा कह रहा है एक पेय फसल का नाम बताइए तथा उनको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का वितरण बताइए। तो देखिए, चाय एक प्रमुख पेय फसल है। पूरे घर में, हमारे भारत में नहीं पूरे विश्व में, लगभग लगभग हर एक घर में चाय का खपत है, चाय पिया जाता है। इसको उगाने हेतु अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन इस प्रकार है। पहला क्या कहता है, चाय की फसल हेतु उष्ण और उपोष्ण कटिबंधनीय जलवायु सही होती है। दूसरा है इसकी उपज के लिए पर्याप्त जल और निकास वाले ढलवा इलाके जिसकी मिट्टी में प्रचुर मात्रा में ह्यूमस तथा जीवांशो उपयुक्त होते हैं, और इसके अलावा इसमें चाहिए इसकी झांसियां की वृद्धि के लिए, मतलब पेड़ पौधों की जो डाल होती है उसकी वृद्धि के लिए साल भर उपोष्ण पाल रहित एवं नम जलवायु की जरूरत होती है। इसके अलावा कहता है इसकी कोमल पत्तियों के विकास हेतु वर्ष भर लगातार वर्षा की बौछारों की जरूरत होती है। तो एक चाय के फसल को उगाने के लिए किस प्रकार के अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों की जरूरत होती है वो आपने समझ लिया। अगला प्रश्न हमारा कहता है भारत की एक खास फसल का नाम बताएं और जहां यह पैदा की जाती है उस क्षेत्र का वितरण बताएं, मतलब विवरण में बताना है। तो चावल भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल है, यह तटीय क्षेत्रों में, डेल्टाई प्रदेशों में और उत्तर तथा पूर्वी मैदानों में उगाया जाता है। नहरों की जाल और नलकूपों की सघनता के कारण हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में वर्ष की, मतलब पूरे साल चावल को उगाया जाता है, तो यह इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न कहता है सरकार द्वारा किसानों के हित के लिए किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाएं। तो देखिए, आजादी के पश्चात, मतलब आजादी के बाद सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र के संस्थान सुधार हेतु जोतों की चकबंदी, सहकारिता तथा जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए उच्च प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा 1980 एवं 1990 के दशक में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सूखा, बाढ़, चक्रवात, आग एवं बीमारी जैसी घटनाओं से फसल को बचाने हेतु फसल बीमा का भी योजना लागू किया गया है। अगला ऑप्शन हमारा कहता है किसानों को कम पैसों ऋण जो लेते हैं, मतलब जो इंटरेस्ट पे पैसे उठाते हैं, तो कम पैसा उनको देके उनको ऋण मिल जाए ये मुहैया करवाया है, जैसे ग्रामीण बैंकों और सहकारी समितियों की स्थापना की गई है। अगला है न्यूनतम समर्थन कीमत के ऐलान और प्रावधान किया गया है ताकि जो बीज के दलाल और बिचौलिए होते हैं वो किसानों का शोषण ना कर सके। अगला पॉइंट कहता है किसानों के फायदे के लिए सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड तथा व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना भी शुरू किया गया है। ये सरकारों द्वारा चलाए गए कुछ कार्यक्रम है जिससे किसानों की स्थिति को सुधारा जा सके। अगला प्रश्न हमारा कहता है दिन प्रतिदिन कृषि अंतर्गत भूमि कम हो रही है, क्या आप इसके परिणामों के कल्पना को बता सकते हैं। देखिए, दिन प्रतिदिन कृषि योग्य भूमि होने के कारण बहुत सारे हैं। पहला तो है अनाज उत्पादन में कमी आएगी, अगर कृषि के खेतों को ना बढ़ाया जाए तो अनाज के उत्पादनों में कमी आ जाएगी। कम भूमि पर गहन कृषि के परिणाम स्वरूप उर्वरकों की अधिक इस्तेमाल से भूमि की प्राकृतिक क्षमता जो है वो प्रभावित हो रही है, कम हो रही है। इतना ज्यादा केमिकल वाले खादों का उपयोग किया जा रहा है जमीनों के ऊपर, जिसके कारण जमीन जो है वो बंजर होता जा रहा है। इसके अलावा कह रहा है अल्प अथवा छुपी बेरोजगारी बढ़ेगी, मतलब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अगला ऑप्शन कहता है कृषि आधारित उद्योगों को कच्चे माल की कमी का सामना करना पड़ सकता है। जो बड़े बड़े फैक्ट्री हैं,
जो कच्चे माल के माध्यम से अपनी फैक्ट्रियों को चला रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक चिप्स की ही कंपनी है, तो चिप्स को क्या चाहिए? आलू चाहिए। अगर आलू की खेती नहीं होगी तो क्या वो कंपनी चिप्स बना पाएगी? नहीं बना पाएगी। तो इससे भी हमें नुकसान हो सकता है। तीसरा प्रश्न क्या आता है? निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग लगभग आपको 120 शब्दों में देना है। पहला है इसमें, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय को सुझाइए। तो देखिए, कृषि उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय निम्नलिखित हैं। पहला क्या कह रहा है? कृषि क्षेत्र में अनुसंधान को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना की गई है। ख कहता है, कृषि शिक्षा प्रदान करने हेतु देश में विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों की भी स्थापना की गई है। स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह खोले गए हैं। पशुओं के लिए बड़े पैमाने पर चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करी गई है। वेटनरी डॉक्टरों को लाया गया है। अगला कहता है, बागवानी विकास को प्रोत्साहन दिया गया है। मौसम विज्ञान और मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए क्षेत्र में काफी अनुसंधान एवं विकास भी किया गया है। इसके अलावा विभिन्न पशु प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां पर पशुओं की जनसंख्या को बढ़ाया जा सकता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभावों का टिप्पणी लिखिए। देखिए, वैश्वीकरण के कारण भारतीय कृषि पर किस प्रकार से असर हुआ है, इसे जानना भी जरूरी है। वैश्वीकरण के प्रभाववश भारत के वाणिज्यिक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन मिला है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के ढांचागत सुधार, जैसे प्रौद्योगिकी बदलाव, बाजार सुविधा, साख विस्तार आदि वैश्वीकरण के ही परिणाम है। इसके अलावा हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली कुर्ती वगैरह के परिणाम स्वरूप विभिन्न प्रकार के फसलों के उत्पादन में बढ़त जो है वो संभव हो पाई है। इसके अलावा कृषि उत्पादनों के निर्यात को बढ़ावा दिया गया है, चीजों को बाहर की ओर भेजा जाता है। कार्बनिक कृषि को भी प्रोत्साहन मिला है। जीन क्रांति अथवा जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसी अवधारणाओं का कृषि में इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसके अंतर्गत किस्म बहुत तरह के किस्मों का भी और बीजों का भी आविष्कार किया गया। जैसे आपने सुना होगा हाइब्रिड जैसे बीजों का, जो बहुत ही कम जगह पे बहुत ज्यादा फसल को उगा के देते हैं। तो ये सारी चीजें वैश्वीकरण के कारण ही संभव हो पाया है। अगला प्रश्न हमारा कहता है, चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। तो देखिए, चावल की खेती के लिए तापमान आपको 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। चावल के लिए ज्यादा आर्द्रता अर्थात तकरीबन 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। जिन क्षेत्रों में वर्षा कम होता है वहां पर्याप्त सिंचाई सुविधाओं का होना भी जरूरी है, तभी आप चावल की खेती को सही तरीके से कर सकते हैं। इस प्रकार से आपने देखा क्लास 10 सोशल साइंस जियोग्राफी चैप्टर 4 के इंपोर्टेंट जितने भी प्रश्न उत्तर थे वो सभी यहाँ पे समाप्त हो गए हैं। तो आशा करता हूँ कि आज के वीडियो में दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो आपको हमेशा प्राप्त होती रहे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।